लोकसभा चुनाव 2019 के पांचवें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां करीब एक घंटा बिताया। मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही बसपा और सपा को घेरा और समाप्ति जय श्री राम का नारा लगाकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाबा साहेब का अम्बेडकर का नाम जिस शहर से जुड़ा हुआ है, मैं वहां आकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। आपका प्यार मेरी पूंजी है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की है, ये स्वाभिमान की धरती है। देश में यही स्वाभिमान पिछले 5 साल में और बढ़ा है। हम 130 करोड़ लोगों की भुजाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। अब इन्हीं भुजाओं की सामर्थ्य पर हम नए भारत का सपना साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहन जी ने बाबा साहेब के नाम का उपयोग किया, लेकिन उनके आदर्शों के विपरीत काम किया है। सपा ने भी लोहिया जी के नाम का उपयोग किया, लेकिन सब तहस नहस कर दिया। इनको गरीबी और श्रमिकों की चिंता करनी चाहिए थी कि नहीं? उन्होंने कहा कि पहली बार हुआ है जब किसी सरकार ने गरीबों और श्रमिकों के बारे में सोचा है। हमारे देश के 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिक भाई बहनों की इन पार्टियों ने कभी भी परवाह नहीं की है। श्रमिकों और गरीबों को वोट बैंक में बांटकर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का फायदा करवाया है। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें असंवेदनशील थी, यह नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। पीएम मोदी का यूपी दौरा, आपको बता रहे हैं, अंबेडकर नगर में पीएम मोदी की चुनावी रैली। अयोध्या आकर धन्य महसूस कर रहा हूं, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। समाजवादी पार्टी के लोहिया के आदर्शों को मिट्टी में मिलाया है। बीएसपी ने अंबेडकर के आदर्शों के विपरीत काम किया है। गरीबों मजदूरों के लिए हमने काम किया है। आपकी तालियों से विपक्षियों का बीपी बढ़ जाता है। मैंने गरीबों का दर्द समझा और दर्द निवारण की कोशिश की है। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया। हमारी सरकार हाल ही में पीएम श्रम योगी मानधन योजना लेकर आई और पहले की सरकारें असंवेदनशील रही। और यह नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। बीते 5 सालों में आतंकी हमलों में कमी आई है। पीएम नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा, आपको बता रहे हैं, जहां पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया।